नमस्कार, आज अपन बात करते हैं INICET नवंबर 2022 साइकेट्री MCQ फास्ट रिव्यू करते हैं, सेशन ए एंड सेशन बी दोनों के। फर्स्ट सेशन ए क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द डोज रेंज ऑफ लिथियम इन मिलीक्वेलेंट पर लीटर फॉर मेनिया एक्यूट अटैक एंड मेंटेनेंस। तो मेनिया के एक्यूट अटैक एंड मेंटेनेंस के अंदर लिथियम की डोज कितनी होती है? 0.6 से 1.5 मिलीक्वेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमीन स्टील, क्लिप्टोमेनिया मीन इंटेंस डिजायर टू स्टील आइटम ऑफ ट्राइबल वैल्यू। पायरोमीनिया, पायरोमीन टू बर्न, पायरोमेनिया मीन इंटेंस डिजायर टू बर्न थिंग्स। म्यूटिलोमेनिया, म्यूटिलो मीन टू म्यूटिलेट, म्यूटिलोमेनिया मीन इंटेंस डिजायर टू म्यूटिलेट। डिप्सोमेनिया, डिप्सो मीन ड्रिंक, टू ड्रिंक, डिप्सोमेनिया मीन इंटेंस डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो सभी करेक्टली मैच किए हुए हैं, तो ऑल इज मैच्ड करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, ए पेशेंट हु इज ए क्रोनिक एल्कोहलिक प्रेजेंट विद सीजर, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, अल्टर्ड सेंसोरियम, ही हैज़ बीन ड्रिंक फॉर पास्ट 10 ईयर्स एंड स्टॉप टू टेक ड्रिंक 3 डे बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो एक क्रॉनिक एल्कोहलिक है, वो सीजर, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ प्रेजेंट हुआ है, वह 10 साल से कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा है और पास्ट 3 डेज से ड्रिंक करना बंद कर दिया। तो यह 3 डेज से ड्रिंक करना बंद कर दिया, तो ये डेलिरियम ट्रेमेंस के अंदर चला गया, और डेलिरियम ट्रेमेंस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है डाइजिपाम एंड थायमिन। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट के अंदर फर्स्ट डे के अंदर कौन से सिम्टम आएंगे, सेकंड डे के अंदर कौन से आएंगे, थर्ड डे के अंदर कौन से आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लेना एक बार। डाइजिपाम एंड थायमिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 14 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ब्लाइंडनेस फॉर द पास्ट 4 आवर, हर फिजिकल एग्जामिनेशन वर फाउंड नॉर्मल, हाउ एवर सी इज कंसर्न दैट हर मदर पास्ट अवे रिसेंटली एंड दैट सी शुड हैव स्पेंड मोर टाइम विथ हर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंडीशन। इन एडल्ट इक्वली अमंग मेल एंड फीमेल, इन एडल्ट अकर्स मोर इन मेल देन फीमेल, इन चिल्ड्रेन अकर्स मोर इन फीमेल देन मेल, इन चिल्ड्रेन इक्वली अमंग मेल एंड फीमेल। तो इसमें क्या, 14 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो सडन ऑनसेट ब्लाइंडनेस के साथ प्रेजेंट हुई है, सडन ऑनसेट ब्लाइंडनेस 4 आवर से है, और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया है तो वो नॉर्मल आ रहा है। हाउ एवर सी इज़ कंसर्न दैट हर मदर पास्ट अवे रिसेंटली दैट शुड हैव बीन स्पेंड मोर टाइम विथ हर। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन है, और कन्वर्जन रिएक्शंस चिल्ड्रेंस के अंदर मोस्ट कॉमन होती है, चिल्ड्रेंस के अंदर में भी फीमेल चाइल्ड है उसके अंदर मोस्ट कॉमन होती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ए चाइल्ड अकर्स मोर इन फीमेल देन मेल। नेक्स्ट सेशन बी क्वेश्चन फर्स्ट, ए क्रोनिक स्मोकर वांटिंग टू क्वाइट इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल मेडिकेशन। तो स्मोकिंग सीजेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है वारेनिक्लिन। तो आंसर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डाइसल्फिराम, डाइसल्फिराम के बारे में क्या फॉल्स है? तो इनिबिट एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, नो, डाइसल्फिराम इनिबिट एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करती है। एक्यूमुलेट एसिड एल्डिहाइड, बिल्कुल सही बात है, एक्यूमुलेट एसिड एल्डिहाइड इनिशिएट एट 250 मिलीग्राम, डाइसल्फिराम की डोज होती है 250 मिलीग्राम ओडी, तो बिल्कुल सही बात है, इनिशिएट एट 250 मिलीग्राम, नॉट एन एंटी क्रेविंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, डाइसल्फिराम एंटी क्रेविंग एजेंट नहीं होती है, ये एवर्जन थेरेपी के रूप में दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इनिबिट एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक रिलेटेड मैकेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एंटी कोलिनर्जिक ब्लॉकेज रिड्यूस EPS कॉज्ड बाई एंटी साइकोटिक्स। एंटी साइकोटिक्स के अंदर अपन टिपिकल एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स देते हैं, और टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट, और एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट को रोकने के लिए सेंट्रल एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे बेंज हेक्सोल वगैरह देते हैं। तो फर्स्ट
सही है, इसमें बिल्कुल मेस्ट है। एंटीकोलिनर्जिक ब्लॉकेज रिड्यूस एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट है ड्यू टू ब्लॉकेज इन मेसोलिम्बिक पाथवे रिड्यूस पॉजिटिव सिम्टम्स। तो T2 टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, और D2 रिसेप्टर को कहाँ ब्लॉक करती है, मेसोलिम्बिक पाथवे के अंदर ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो सेकंड है, ये भी सही है कि D2 ब्लॉकेज इन मेसोलिम्बिक पाथवे रिड्यूस पॉजिटिव सिम्टम्स। थर्ड क्या है, 5-HT2 या ब्लॉकेज इन्फ्लुएंस नेगेटिव सिम्टम्स। ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, वो ब्लॉक कर देती है 5-HT2A रिसेप्टर को, जिसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि 5-HT2A ब्लॉकेज इन्फ्लुएंस नेगेटिव सिम्टम्स। फोर्थ है, 5-HT1A ब्लॉकेज इन्फ्लुएंस वेट लॉस एंड पॉजिटिव सिम्टम्स। ये गलत है, क्यों? क्योंकि ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, 5-HT1A ब्लॉकेज नहीं होती है, वो 5-HT1A एगोनिस्ट होती है, जो इन्फ्लुएंस करती है वेट लॉस एंड पॉजिटिव सिम्टम्स को। तो आंसर हो जाएगा 5-HT1A ब्लॉकेज इन्फ्लुएंस वेट लॉस एंड पॉजिटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट मदर वाज ऑन SSRI, द रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन न्यू बॉर्न। तो प्रेगनेंसी के अंदर SSRI दी गई है, तो न्यू बॉर्न के अंदर किसकी रिस्क होगी? लो एफगार स्कोर, ADHD, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो सभी की रिस्क होती है इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में क्या है? तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इम्पेंडिंग डोम्स, नो इम्पेंडिंग डोम्स नहीं है, कॉन्स्टेंट वरी अबाउट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ये भी नहीं है, प्री ऑक्यूपेशन विद इलनेस, ये भी नहीं है, एंड इमोशनल कॉग्निटिव फिजियोलॉजिकल एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा फोर्थ की, स्ट्रेस क्या है, एक बॉडी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, एंड इमोशनल कॉग्निटिव फिजियोलॉजिकल एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है। तो स्ट्रेस आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, हाई टॉपिक कौन कौन से साइकेट्री के अंदर देखते हैं? तो इसके जो प्रीनिया के मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट के मैनेजमेंट और मैकेनिज्म एक्शन ड्रग्स हैं, इनके बारे में पूछे जाते हैं। ऐसे डिप्रेशन का मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन जाते हैं, DCA SSRI है, उनके साइड इफेक्ट के बारे में, टॉक्सिसिटी वगैरह के अंदर, और इनको प्रेगनेंसी में देते हैं नहीं है, इनके बारे में थोड़ा एक बार देख लेना। बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मेनिया का मैनेजमेंट है, वो भी देख लेना, उसके अंदर मूड स्टेबलाइजर कौन कौन सी है, लिथियम की टॉक्सिसिटी, लिथियम की कितनी डोज देते हैं, ये देख लेना एक बार। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट और उनका थोड़ा सा डायग्नोसिस देख लेना। कन्वर्जन डिसऑर्डर है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्सटेंस एब्यूज, इसके ऊपर श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्सटेंस एब्यूज में एल्कोहल और स्मोकिंग सिचुएशन के ऊपर कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। एल्कोहल के अंदर एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, विड्रावल सिम्टम, ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस, इस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। स्मोकिंग सिचुएशन के अंदर वारेनिक्लिन, स्मोकिंग सिचुएशन की ड्रग्स होती हैं उसमें वारेनिक्लिन वगैरह, और ये सभी देख लेना एक बार, कैसे मैकेनिज्म एक्शन कैसे होता है, कौन बेस्ट ये वारेनिक्लिन ड्रग्स होती है। ओपियोड, कोकेन और केनाबिस, इनके ऊपर भी एक बार देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।